एक्ट्रेस अंजलि वारोत ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से एक खास बात की। बातचीत के दौरान अंजलि वारोत ने कई ऐसी चीज बताई जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जी हाँ, अंजलि ने बताया कि वो शाहरुख खान की दीवानी है और उनके साथ करना चाहती हैं रोमांटिक फिल्म। इतना ही नहीं, उन्होंने एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान शर्मा गए जब उन्हें पता चला कि मेरा नाम भी अंजलि है। उन्होंने आगे कहा, शाहरुख ने गले लगाया तो दो दिन तक वो टी शर्ट ही नहीं धोया। आइए देखते हैं। सबसे टफ सीन कौन था आपके लिए? संजय जी, जो एक सीन है हर्षद की डेथ का सीन जो लास्ट में आता है, स्पॉइलर दे रही हूँ मैं, बट एवरीवन नोस। तो वो जो सीन है, मैं उसके लिए काफ़ी नर्वस थी क्योंकि उसमें प्रॉपर ब्रेकडाउन सीन था वो, बिकॉज ऑब्वियसली इनका प्यार इतना प्यारा दिखाया है पूरे शो में कि वो नेचुरली ही आना चाहिए, जो ब्रेकडाउन जब ज्योति देखती है हर्षद को फॉर द फर्स्ट टाइम उस कंडीशन में। तो मुझे बस यही कॉन्स्टेंट टेंशन था कि वो नेचुरल ही लगना चाहिए और जब ये ऑडियंस वो सीन देखे तो उन्हें खुद रोना आना चाहिए वो सीन पर। तो वो सीन था जो मैं नर्वस थी, बट थैंक्स टू गॉड वो एकदम अच्छे से हो गया और मैं नेचुरली ही इतना रो रही थी कि कट करने के बाद भी मैं रो ही जा रही थी, तो वो सीन अच्छे से हो गया। फर्स्टली हमारा परसेप्शन एज हंसल सर ऐसे हैं कि वो इतने इंटिमिडेटिंग हैं, इतने बड़े हैं, पर हंसल सर बहुत स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा हम्बल। इसको सीक्रेट तो नहीं बोल पाएंगे, बट दिस इज समथिंग जो बहुत लोगों को नहीं पता उनके बारे में। दूसरी चीज़, उन्हें खाना बहुत पसंद है और वो बहुत बड़े फूडी हैं और वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बना भी लेते हैं। वो सेट पर भी अपना खाना ले आते थे और हम सब खाते थे और बहुत बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और तीसरी चीज़, तीसरी सीक्रेट तो कोई नहीं है, बट ये दो चीज़ है जो मेजरली, ये दो चीज़। तो अगली बार जब मैं उनसे इंटरव्यू करूंगा तो मैं बताऊंगा कि आपकी हीरोइन ऐसे बोल रही थी कि वो बहुत फूडी हैं और सेट पे सबका खाना खा जाते थे। नहीं, वो सबको खिलाते थे, वो बनाकर आते थे और हम सबको खिलाते थे। तो मैं थोड़ा सा झूठ बोलूंगा ना? नहीं, पर उन्हें पता है मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। चलिए, अब बॉलीवुड में भी आपने एक तरीके से कदम रख दिया है। बड़ी फिल्मों का एक की चाह होती है कि बड़े पर्दे पर मेरी कोई फिल्म हो, रिलीज हो। तो बड़े पर्दे को लेकर किस तरह की योजनाएं हैं, कितनी तैयारी है, ये बताइए। संजय जी, ऑनेस्टली जब मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी 5 साल पहले, तब मुझे यही लगता था कि मुझे एक दिन मुझे वो बड़े पर्दे पर खुद को देखना है। बट नाउ अभी जैसे मैं इस फील्ड में हूँ और मुझे रियलाइज हो रहा है कि एक्टिंग से मुझे प्यार है, ना कि मैं कहाँ पर दिख रही हूँ, चाहे वो बड़े पर्दे पर हो या छोटे पर्दे पर हो। तो मुझे वो चीज़ भी हो तो आई विल ऑब्वियसली बी ग्रेटफुल, पर मुझे बस अच्छा काम करना है और अच्छे रोल्स मिले, चाहे वो कहीं पर भी हो, बस वही चाहिए। ओके, अगर बॉलीवुड में आप, मतलब शुरुआत तो आप कर दी आपने, तो जाहिर सी बात है आपके लिए रास्ते खुल गए हैं। बॉलीवुड का कौन सा ऐसा हीरो है जो आज के जमाने का स्टार है, सुपरस्टार है, जिसके साथ आपको रोमांस करना है पर्दे पर, वो एक नाम। रोमांस का तो श्योर नहीं, बट मुझे पता है कि मुझे किसके साथ एक्ट करना है। आयुष्मान खुराना, विकी कौशल, दीस आर द टू एक्टर्स, मतलब मुझे जेन्युइनली चाहूंगी कि किसी दिन काम करूं। काम तो आप करेंगी सबके साथ, लेकिन रोमांटिक जोड़ी किसी के साथ बनानी है, एक सपना होता है हीरोइन। शाहरुख। क्यों भाई, शाहरुख कैसे, मतलब क्यों, मतलब उनकी सबसे बड़ी फैन है आप? शाहरुख तो मैं वही कहती हूँ कि शाहरुख इज एन इमोशन, तो शाहरुख पीरियड, उनके अलावा और कुछ नहीं। तो शाहरुख खान की का जब कोई फैन होता है और वो मुंबई में रहता है तो, और खासतौर से लड़कियां, मतलब वो इस तरीके से पागलपन है उनका कि वो एक बार देख लेना चाहती हैं, एक बार मिल लेना चाहती हैं। और चूंकि आप इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं, तो उनसे मिलने की कभी कोशिश की?
तो मैं प्रोडक्शन बैकग्राउंड है मेरा, मैं पहले एसोसिएट प्रोड्यूसर की तरह काम करती थी, तो तब एक शूट पर मैं मिली हुई हूँ उनसे, और जब मैं मिली थी उनसे तब मैंने यही कहा कि मुझे हमेशा से आपको एक ही चीज कहनी थी कि मेरा नाम अंजलि है, तो और बस मैंने उनसे ये दो शब्द कहे और फिर हमने फोटो क्लिक किया और बस मैं बहुत खुश हो गई। तो शाहरुख ने क्या कहा? वो शर्मा रहे थे, he is so shy, और मैं बोले जा रही थी और वो बेचारे शर्मा रहे थे कि अच्छा ठीक है। तो आपको हग किया? आपको हग किया? जी जी जी, हग किया मुझे। फिर मैंने वो टी-शर्ट धोने में नहीं डाली थी 2 दिन।